नमस्कार दोस्तों, विनांजलि किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवई फालूदा, तो आइए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे और सेवई को हल्का भूरा होने तक भूनते रहेंगे। फ्लेम का ध्यान रखना है कि लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें भूनना है। अगर आपने बड़ा सेवई लिया है और वाइट लिया है तो इसे थोड़ा लंबे टाइम तक भूनना होगा, लेकिन मेरी सेवई ब्राउन है तो लगभग 2 से 3 मिनट में भून जाएगी। अब इसमें हम डाले हैं 1/2 लीटर के करीब दूध और उसमें से थोड़ा सा दूध बचा लेंगे और इसे चलाते रहेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और लगभग मेरी सेवई पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी और इसमें कस्टर्ड पाउडर, जो हमने दूध रखा था थोड़ा सा बचा के उसमें कस्टर्ड पाउडर को घोल देंगे। इसके लिए ध्यान रखना है कि कस्टर्ड पाउडर को हमें ठंडे दूध में ही घोलना है, गर्म दूध में घोलने पे इसमें लम्स आ जाएंगे। अब हम एक हाथ से सेवई को चलाते रहेंगे और एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर को डालते रहेंगे। इसमें थोड़ा सा अब हम फूड कलर डालेंगे 1 पिंच के करीब, जिससे इसमें कलर बढ़िया आ जाए और इसे लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए, ये मेरे सेवई में बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी और इसे ढक के करीब 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे फ्रेश रैप से अच्छे से कवर कर देना है और इसे फ्रिज में रख देना है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसे फ्रिज से बाहर निकाल ली हूँ और ये हमने 2 चम्मच के करीब सब्जा के बीज को पानी में भिगोया था। सब्जा का बीज 1/2 घंटे के अंदर भीग जाता है, वो फूल जाता है और ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गर्मियों के दिनों में इसका सेवन करने से पेट ठंडा रहता है। तो आइए अब इसे सर्व करते हैं। इसके लिए हमने दोनों ही ग्लास में 1-1 चम्मच सब्जा के बीज को डाल दिया है। अब इसके ऊपर से फ्रूट्स डालेंगे। मेरे पास 2 ही तरह के फ्रूट्स थे, आपके पास जितने फ्रूट्स हों आप सब डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से सेब लिए हैं और थोड़ा सा अनार लिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा अनार भी डाल देंगे। इसके बाद सेवई डालेंगे। सेवई बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, 2 चम्मच के करीब सेवई डालेंगे। करीब दोनों ही ग्लास में हम 2-2 चम्मच के करीब सेवई ले लेंगे। इसके ऊपर से फिर एक बार फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 ही तरह के थे, आपके पास जितने होंगे। इसमें आप पपीता, केला, सेब, अनार, अंगूर सब डाल सकते हैं। एक बार फिर हम 1-1 चम्मच के करीब सब्जा का बीज डालेंगे और फिर इसके बाद आइसक्रीम डालेंगे। ये आइसक्रीम दोस्तों हमने घर में ही बनाया है। अब हम दोनों ही ग्लास में 1-1 चम्मच आइसक्रीम डाल देंगे। इसके बाद इसके ऊपर से फिर थोड़ा थोड़ा फल डाल देंगे, थोड़े से अनार, थोड़े से सेब और थोड़ा थोड़ा सेब डाल देंगे। ये हमारी सेवई फालूदा बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों ये मेरी रेसिपी आप सबों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।